सो वी ऑल नो समवन दैट हैज़ डायबिटीज़, वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आप खुद डायबिटिक पेशेंट हो सकते हो. डायबिटीज़ इतना कॉमन डिसऑर्डर है. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है डायबिटीज़, उसका रूट कॉज क्या है और उसको हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं. सो वेलकम बैक टू अर्बन डाइट एंड दिस इज़ योर डाइटिशियन निकिता. तो मैं आप सबको पहले ही बता दूं कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि जब तक हम किसी डिज़ीज़ का रूट कॉज नहीं समझेंगे, हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमें ये डिज़ीज़ क्यों हो रही है या इतना प्रेवलेंस क्यों है इस डिज़ीज़ का, तब तक हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते. एक बार आपने रूट कॉज समझ लिया तो डेफिनेटली आप इस डिज़ीज़ को इजीली मैनेज भी कर सकते हो और रिवर्स भी कर सकते हो. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ होती क्या है. सो दो तरीके की डायबिटीज़ होती है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2. टाइप 1 में होता है जब आपका बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, और टाइप 2 में होता है कि जो आपका इंसुलिन है वो इतना एक्टिवली काम नहीं कर रहा है. सो इस वीडियो में हम सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो ऐसा क्या हो जाता है हमारी बॉडी में कि है वो जो हमारा इंसुलिन है वो वर्क नहीं करता. आपने एक टर्म तो सुना होगा, मैं काफ़ी अपनी वीडियोज़ में रिपीट भी करती हूँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में. तो बेसिकली जो डायबिटीज़ का रूट कॉज है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो कि आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल या इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से होता है. क्योंकि हमारी आजकल इतना ट्रांस फैट है, इतना पैकेज्ड आइटम हम खा रहे हैं, इतना हमें ये नहीं पता होता कि किस आइटम में कितना शुगर है, जिसकी वजह से आपके आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और आपको डायबिटीज़ होने का डर रहता है. सो मोस्टली केसेस जो डायबिटीज़ के आते हैं वो हमेशा लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं. तो सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जब हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाते हैं, कोई मील लेते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से बना होता है. तो हमारी बॉडी में जब वो डाइजेस्ट होता है तो उसका ब्रेक डाउन होता है. प्रोटीन अपनी अमीनो एसिड्स और बाकी सब चीज़ों में होता है, फैट अपना डाइजेस्ट होता है और एसिमिलेट होता है. सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट जो है वो बेसिकली ग्लूकोज रिलीज़ करता है जब उसका ब्रेक डाउन होता है. सो जब ये ग्लूकोज हमारे सेल के सामने उसके दरवाजे पे जाके खड़ा होता है, तो पैनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसे कहते हैं इंसुलिन. और इंसुलिन जो है वो जाके एक्चुअली बेल बजाता है सेल के डोर की कि आपके घर के आगे जो है एक ग्लूकोज खड़ा है, आप प्लीज़ उसे लें और उसे यूज़ करें. तो सेल के इंसेप्टर्स जो होते हैं वो अपना चैनल ओपन करते हैं और जिसके थ्रू जो है ग्लूकोज एंटर करता है और फिर आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. सो इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ताकि आपका ग्लूकोज जो है आपके सेल तक पहुंच जाए. और जब ये जो सेल्स हैं जब वो इंसुलिन के सिग्नल को नहीं सुनते हैं और अपना डोर बंद रखते हैं, तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज और इंसुलिन जो है आपके ब्लड लेवल्स में बढ़ता रहता है, आपके वेसल्स में ट्रैवल करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई आता है. सो बेसिकली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेन रीज़न होता है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल. क्योंकि हमारा आजकल जो लाइफस्टाइल है वो इतना इनएक्टिव है, हम इतने सेडेंटरी रहते हैं और हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है, हम स्ट्रेस में इतने रहते हैं, हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं है, हम गैजेट का यूज़ कर रहे हैं और जो हम खा रहे हैं हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है. और आपने बहुत बार ही सुना होगा कि बड़े लोग कहते हैं कि या अपने मम्मी से या पापा से या कई बार डॉक्टर्स भी ऐसे नॉर्मल टर्म में बोलते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो अंदर से आपको खोखला कर देती है, आपको अंदर से खाती है. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है आपके ब्लड वेसल्स में बहुत टाइम तक रहता है तो आपके ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपने काफ़ी सिम्टम्स सुने होंगे, ब्लर्ड विजन होता है, आपको यूरिनेशन रहती है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा रहता है. सो अगर ये ग्लूकोज आपके बॉडी में बहुत टाइम तक रहेगा या हमेशा स्पाइक करता रहेगा, तो आपको और भी मेडिकल कंडीशन होने का खतरा रहता है, जैसे कि आपके आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं, क्रॉनिक ESR जब हम देखते हैं वो हमारा हाई आता है, तो उसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से वो हाई रहता है, तो आपको इन्फ्लेमेशन हो सकती है बॉडी में. इसके अलावा हमारे काफ़ी ऐसे न्यूट्रिएंट है जो डिप्लीट होने लगते हैं, जैसे हमारा विटामिन डी, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी डिप्लीट होने लगता है. जो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन होगा, क्योंकि हम इतना ज़्यादा यूरिनेट करते हैं, हमें इतना ज़्यादा थर्स्ट लगती है इस डायबिटिक पेशेंट को, जिसकी वजह से आपका वाटर सॉल्युबल जितने भी विटामिन होते हैं वो भी साथ साथ डिप्लीट होने लगते हैं. सो काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी डायबिटिक जो है ट्रिगर करती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम इसका रूट कॉज रिवर्स कर लेंगे, जब हम अपना लाइफस्टाइल बेटर कर लेते हैं, हम अपना ईटिंग हैबिट बेटर कर लेते हैं, हम एक्टिव हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप देखो कि शुगर लेवल जो वो है जो है वो कम होने लगते हैं.
सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, जिसकी वजह से आप अपना डायबिटीज़ भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैसा आपका डाइट होना चाहिए और क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, आइए डिस्कस करते हैं। तो जब हम डायबिटिक को रिवर्स करने की बात करते हैं, जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है डायबिटीज़ का या प्री डायबिटिक पेशेंट आता है जिसके ग्लूकोज लेवल अभी अभी इंक्रीज़ हुए हैं, उनके लिए मेरा 6 स्टेप सॉल्यूशन रहता है, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी डाइट, जो कि हमेशा लो फैट हाई इन होल फूड होनी चाहिए और प्लांट बेस्ड डाइट होनी चाहिए। इसके अलावा एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए। आप किचन के कुछ इंग्रेडिएंट मेडिसिनल प्लांट यूज़ कर सकते हो, मेडिसिनल स्पाइसेस यूज़ कर सकते हो, जो बहुत अच्छा वर्क करती है डायबिटिक पेशेंट के लिए। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छा वर्क करती है। आपका एक्टिविटी लेवल होना, मतलब आपका किसी ना किसी तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटी में इंडल्ज होना भी आपके डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है। इसके अलावा प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लो फैट प्लांट बेस्ड एंड होल फूड डाइट। सो बहुत क्लियर है अपने आप में। तो हमने क्या करना है कि हमने अपने फैट, जो हमारा फैट जिसे कहते हैं हम अनहेल्दी फैट होता है, उसको हमने अपनी डाइट में कम करना है। तो जितना भी आपका जंक फूड है, ट्रांस फैट है, आपका पैकेज आइटम है, चिप्स हैं, कुकीज़ हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ये सब आपने कम करना है। इसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि आप किसी भी तरीके का रिफाइंड ऑयल ना यूज़ करें। सो इनको आपने स्विच करना है टू हेल्दी ऑयल्स। वो कौन से होते हैं? जितने भी आपके कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है कुकिंग ऑयल पे, आप वो भी देख सकते हो। जैसे कि हमारा कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, आपका सेसमे ऑयल हो गया, ये सब आपके आसपास जो लोकली सोर्स, जो आप बचपन से खाते हुए आ रहे हो, इवन देसी घी भी आप यूज़ कर सकते हो। इन तरीके के गुड फैट्स को आपने इंक्लूड करना है। सेकेंड आता है हमारा होल फूड। होल फूड मतलब जितना आप होल ग्रेन यूज़ करोगे, प्रोसेस्ड सीरियल्स नहीं यूज़ करोगे। आपके जो हमारे इजी टू कुक आते हैं आजकल, आपके ग्रोनोला बार्स हो गए, ग्रोनोला सीरियल्स हो गए, या आपका ब्रान फ्लेक्स, कॉर्न फ्लेक्स, इस तरीके की चीज़ें आप कम यूज़ करो। इसके अलावा आप मिलेट का इस्तेमाल करो, जो कि जिनमें हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, बट दे आर हाई इन फाइबर। तो हाई इन फाइबर फूड का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि जब आप खाना खाते हो, तो जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, तो जब हम हाई फाइबर डाइट पे होते हैं, तो धीरे धीरे आपका ग्लूकोज रिलीज़ होता है, धीरे धीरे आपका इंसुलिन पैनक्रियाज रिलीज़ करेगा, जैसे जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और आपका इंसुलिन जो है स्पाइक नहीं करेगा, आपका ग्लूकोज लेवल स्पाइक नहीं करेगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी तरीके का आप कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में इंक्लूड करें, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, हाई इन फाइबर हो। इसके अलावा प्लांट बेस्ड डाइट रखो, क्योंकि प्लांट्स में हमें ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, या हम ऐसे एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं प्लांट्स, जिसकी वजह से आपके जो इन्फ्लेमेशन होती है, बेसिकली डायबिटिक इज़ अ इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, तो जितना आपका इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगा, आपके सेल्स के आसपास इन्फ्लेमेशन कम रहेगी, फैट डिपॉजिट नहीं होगा, तो उतना बेटर इंसुलिन आपके सेल्स तक पहुँच पाएगा, ग्लूकोज भी बेटर एंटर करेगा, और आपका जो इंसुलिन है वो भी कम प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा मैं प्लांट बेस्ड इसलिए रखती हूँ डाइट, क्योंकि जब हम एनिमल सोर्सेज की बात करते हैं हमारी डाइट में होता है, तो आई एम नॉट श्योर कि कितना टॉक्सिक वो हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, इन टर्म्स ऑफ के उनमें या तो हार्मोन इंजेक्टेड होते हैं, या उनको कोई ना कोई तरीके का इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन भी एक तरीके का हार्मोन होता है, तो जब हम ऐसे डाइट्री हार्मोन अपनी बॉडी में डालेंगे, तो डेफिनेटली हमारे ये सब हार्मोन्स, हमारे जो बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स हैं, वो भी डिसरप्ट होते हैं। इसीलिए जितना आप प्लांट बेस्ड डाइट रखोगे स्पेसिफिकली फॉर डायबिटिक पेशेंट, उतना बेटर वर्क करता है, ये मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। यूजुअली जब मेरे पास कोई पेशेंट आता है डायबिटीज़ का, तो उनका सबसे पहले ये होता है कि मैंने राइस बंद कर दिया है, मैं कोई भी फ्रूट नहीं खाता हूँ, क्योंकि उससे मेरा मैंगो, लीची, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं मैं खाता हूँ, बनाना नहीं मैं खाता हूँ। क्या हमें राइस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? तो राइस आप ले सकते हो, बट आपको उसकी क्वांटिटी, और आपको अगर उसे फाइबर रिच करना है, तो आप उसे उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करके ले सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको राइस बंद ही करना है, आप राइस लो, और जितना आप उन्हें फाइबर रिच बनाओगे, मतलब उसमें वेजिटेबल ऐड करोगे, उनको दाल के साथ लोगे, तो जब हम राइस को दाल के साथ लेते हैं, तो कंप्लीट प्रोटीन हो जाता है। आप राइस का इंटेक ज़रूर रखें, लेकिन हमेशा क्वांटिटी देखकर, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हो, और हमेशा टाइमिंग्स देखें। तो आप अगर आपने लंच में लेना है या डिनर में लेना है, तो सोने से 3 से 4 घंटे पहले लो, और लंच में लेते हो तो बहुत बेस्ट रहते हैं। इसके अलावा जब हम फ्रूट की बात करते हैं, तो मैंगो, लीची, गुआवा,
या आप बनाना ले सकते हो, लेकिन उनको भी आप फाइबर रिच कर सकते हो। या तो आप उसको अपने कर्ड में डाल लो, या आप उनके साथ कोई नट्स एंड सीड्स ऐड कर लो, या अगर आप उसको स्मूदी फॉर्म में लेना चाहते हो तो उसमें कोई एडेड शुगर ना ऐड करके उसमें आप ऊपर से नट्स डाल सकते हो, फ्लैक्स सीड डाल सकते हो। सो इस तरीके की चीज़ों से आप फ्रूट का इंटेक रख सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस टाइम पे खा रहे हो फ्रूट। ऑब्वियसली अगर आप खाने के बाद अपने मेन मील के बाद लेते हैं, जैसे स्पेसिफिकली जो मैंगो के केस में होता है, जो कि अब समर में आने वाला है या अभी आ भी रहा है, तो आपने बिल्कुल मील के बाद नहीं लेना है उसको, एज अ मील ट्रीट करना है। तो या तो आप कोशिश करो कि अगर आपने कोई भी ऐसा हाई ग्लाइसेमिक फूड लेना है तो आप उसे फर्स्ट हाफ में लो और सेकेंड हाफ में अवॉइड करो। ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटिक पेशेंट फ्रूट नहीं ले सकते हैं या मैंगो, गुआवा, लीची, इस तरीके की चीज़ें नहीं ले सकते। आप बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन अगेन क्वांटिटी और किस टाइम पे आप खा रहे हो ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत अच्छा तरीका है आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत तरीके की होती है, लेकिन 16:8 वाली जो फास्टिंग होती है, जिसमें आप 16 आवर्स की फास्टिंग रखते हो और 8 आवर्स का आपका ईटिंग विंडो रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आपने एक ईटिंग विंडो सेट करना है। तो सपोज़ अगर आप 6 बजे से खाना शुरू करते हो और आप अपना शाम का लास्ट मील जो है 7 या 6 o'clock तक ले लेते हो, तो उसके बाद आपकी फास्टिंग स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ अनदर अ गुड वे कि मतलब हम सुबह सूरज के साथ खाना शुरू कर रहे हैं और सूरज ढलने के साथ साथ अपना कम कर रहे हैं। तो इसके थ्रू आप अपने मील्स भी कंट्रोल कर रहे हो, आप अपना क्वांटिटी कंट्रोल कर रहे हो, प्लस डायबिटी से रिलेटेड जो हमें ओबेसिटी का कंसर्न रहता है वो भी आप रिड्यूस कर रहे हो। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अनदर गुड वे टू डू इट। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर अलग से वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है एक्टिविटी। किसी ना किसी तरीके की एक्सरसाइज में आपने ज़रूर इंडल्ज करना है, क्योंकि मेरे पास इतने लोग आते हैं या मैंने अपने अपने मेडिकल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने उसमें इतने डायबिटिक पेशेंट देखे हैं जो कि 10 मिनट का वॉक भी नहीं करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी ना किसी तरीके की एक्टिविटी में ज़रूर इंडल्ज करें। एटलीस्ट 45 मिनट्स की कोई सिंपल वॉक भी अगर आप करते हो 6 days इन अ वीक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना आप वॉक करोगे आपकी बॉडी में सर्कुलेशन बेटर होगा, आपके हार्मोन बेटर प्रोड्यूस होंगे। इसके अलावा इंसुलिन इंक्रीज होता है जब हम एक्टिविटी अपना कोई एक्टिविटी लेवल रखते हैं। और ऑल्सो जो लोग ऑलरेडी एक्टिव हैं और फिर भी उनके शुगर लेवल नहीं कंट्रोल में आ रही है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि हो सकता है आप 1 घंटे का वॉक कर रहे हो या 1 घंटे का कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन आप पूरा दिन सेडेंट्री हो। तो अगर आप 1 घंटा वॉक करके पूरा दिन बैठने वाले हो तो डेफिनेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाने के बाद आप 15-20 मिनट्स की वॉक रखो, या खाने से पहले अगर आप वॉक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप रात को सोने के, अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता तो आप रात को वॉक रखो। सी बहुत आसान है कि हम हर चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर आपके लिए हेल्थ इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए अपनी हेल्दी रहना इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी ईटिंग इम्पॉर्टेंट है, सो आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकालोगे, आप एक्सरसाइज ज़रूर करोगे और एक्सक्यूज़ जो है वो देना बंद कर दोगे। सो इट इज़, मैं फिर स्ट्रेसफुल उसमें बोल रही हूँ आपको, बहुत स्ट्रेस कर रही हूँ इस चीज़ पे कि प्लीज़ किसी ना किसी तरीके की एक्टिविटी आप ज़रूर अपनी डेली लाइफ में रखें, जो भी आपको पसंद है और जो ऐसी एक्सरसाइज जो आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो वो ज़रूर आपके लाइफस्टाइल का पार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिहाइड्रेशन या प्रॉपर हाइड्रेशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर डायबिटिक पेशेंट और आप किसी को जानते हो कि डायबिटीज़ है, तो उनको बोलो कि बारी बारी अपनी बॉडी को रिहाइड्रेट करें, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ड्यूरिंग, क्योंकि हम इतना यूरिनेट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड पर चली जाती है। फिर जब वो वापस आपको, अगर आप उसे प्रॉपर वाटर नहीं दे रहे हो, आपका प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं है, तो वो आपका जो वाटर जो है वो कहाँ से इकट्ठा करेगी, तो आपके आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करने लगता है, आपका सलाइवा, आपके टीयर्स से जो है बॉडी फिर वाटर अट्रैक्ट करती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना आप अच्छा पानी पियोगे उतना बेटर आपकी बॉडी से ग्लूकोज भी बाहर आएगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड वेसल में सर्कुलेट कर रहा है बॉडी उससे थ्रू यूरिन जो है वो सिक्रीट आउट करती है। सो आपने बहुत ध्यान रखना है। कई बार हमें पता नहीं लगता कि हमें प्यास लग रही है या हमारा वाटर इनटेक, हम इग्नोर करते हैं अपनी थर्स्ट फीलिंग को, क्योंकि हम बिज़ी होते हैं या हम लेज़ी हैं कि हम पानी उठ के नहीं पीना चाहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पानी पिएं और एटलीस्ट 8 to 10 glasses ऑफ वाटर जो है आपका पूरा दिन में होना चाहिए। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है कि आपने कब पानी पीना है, तो अपना
जो हमारे थ्री मेन मील्स है उससे खाना खाने से पहले आप ले सकते हो, खाना खाने के बाद ले सकते हो, एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स बाद आप किसी ना किसी तरीके का वाटर इनटेक रख सकते हो। और अपने पानी जो आप पी रहे हो उसमें आपका जो पानी है वो किसी ऐसी ड्रिंक नहीं होनी चाहिए जो शुगर से बनी हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होनी चाहिए, सोडा नहीं होना चाहिए, या आप कोई ऐसा फ्रूट जूसेस नहीं होने चाहिए। तो आपने अगर चॉइस रखना है तो सिंपल प्लेन वाटर रखो, कोकोनट वाटर लो, लेमन वाटर लो, इस तरीके की चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। ऑल्सो अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हो तो भी ध्यान रखना कि ये चाय कॉफ़ी में जो आपका कैफीन होता है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है। तो अगर आप इस चीज़ का इंटेक बहुत ज़्यादा रखते हो तो इसको रिड्यूस करने की कोशिश करो और अपने आप को बारी बारी रिमाइंडर दो कि आपने पानी पीना है। सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है स्लीप का। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि वो एक टाइम होता है जब आपकी बॉडी पूरा दिन थक जाती है, आपकी बॉडी में जो बॉडी ने इतना काम किया होता है, इतना मतलब आपके सेल्स जो हैं वो इतना वर्क करते हैं और आपका माइंड इतना वर्क करता है, पूरा दिन आप स्ट्रेस में रहते हो, ट्रैवलिंग स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है या फाइनेंशियल स्ट्रेस है, तो ये एक टाइम होता है जहाँ आपकी बॉडी जो है, आपका ब्रेन जो है वो शांत रहता है, आप अपने हॉर्मोन्स जो है वो बेटर वर्क करते हैं, आपका बॉडी जो है एक रिपेयर मोड में चली जाती है, अपने आप को फिक्स करती है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। और इस टाइम पे क्योंकि हमारा हॉर्मोनल इम्बैलेंस रहता है इवन इन डायबिटीज़, और क्योंकि एक इंसुलिन भी हॉर्मोन्स है, तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है जहाँ आपकी बॉडी जो है सब चीज़ों को बैलेंस कर सकती है। तो अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, आपकी हॉर्मोन्स बेटर वर्क नहीं करेंगे, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा। अगर आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो नेक्स्ट डे आपको फिज़िकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करेगा, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, और ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी चीज़ कमी है तो नेक्स्ट डे आपका शुगर लेवल भी बढ़ के आने वाला है। तो आपने बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का, आपको कॉन्शियसली ये हैबिट डालनी है कि आप जो है टाइम से सोएं, और अगर आप 6 घंटे की नींद लेते हैं या 5 घंटे की नींद लेते हैं, 8 घंटे की नींद लेते हैं, तो एटलीस्ट वो साउंड स्लीप हो ताकि आपकी बॉडी जो है अपना रिपेयर वर्क प्रॉपरली कर पाए। सो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग आप इसी चीज़ का वेट करते हो कि घर के नुस्खे। अब आपने सब बता दिया, हमें सब पता लग गया कि कैसे डायबिटीज़ हमें कंट्रोल करनी है, क्या हमें खाना है, लेकिन घर की होम रेमेडीज़ से बेटर कुछ नहीं होता। तो कुछ चीज़ों के बारे में तो हम सबको पता है, जैसे कि मेथी दाना तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, फेनिग्रीक सीड जो कि लोग अपना सुबह पानी भी लेते हैं, आप अपनी रोटी में भी ऐड कर सकते हो, इवन आप उसकी टी बना सकते हो, और अगर आपने ऐसे नॉर्मल स्प्राउट करके खाने हैं तो आप वो भी ले सकते हो। इट इज़ अ प्रूवन थिंग के फेनिग्रीक सीड्स जो हैं वो बहुत अच्छा शुगर लेवल कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा सिनेमिन भी बहुत अच्छा शुगर लेवल कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आप सिनेमिन की टी बना सकते हो, अपने कर्ड में आप उसे ऐड कर सकते हो, आप वेजिटेबल जूसेस में ऐड कर सकते हो सिनेमिन, आप उसकी सोने से पहले अगर आप लेना चाहते हो तो आप नॉर्मल टी बना के ले सकते हो, ग्रीन टी में अपनी ऐड कर सकते हो। अगर आप सोने से पहले लेते हो स्पेसिफिकली तो बहुत अच्छी नींद भी आती है उससे, और आपके शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। अगर आपको खाने के बाद सिनेमिन लेना है तो आप या तो अपने पानी में टी बना के उसे 45 मिनट्स बाद खाने के बाद भी ले सकते हो। तो करेला जूस और नीम पाउडर भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ये बहुत कॉमनली हम लोग वैसे भी अपने घरों में यूज़ करते हैं, और इस टाइम तो करेला बहुत सीजनल है तो आप उसको घर पे खुद से पाउडर बना सकते हो। इसके अलावा आंवला एलोवेरा जूस भी बहुत अच्छा वर्क करता है, और खाली अगर आप एलोवेरा का जूस लेते हो तो वो भी शुगर लेवल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आंवला एलोवेरा का जूस आप सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ले सकते हो, और खाली एलोवेरा का जूस भी, अगर आपको आंवला नहीं उसमें ऐड करना तो आप खाली एलोवेरा भी मॉर्निंग में ले सकते हो। सो कितना लेना है उसमें, आप 5 to 10 ml इन अ ग्लास ऑफ वाटर आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा जो क्लोव आप ले सकते हो, जो जिसे हम लौंग कहते हैं, आप अपनी हर्बल टी में ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है। टर्मरिक क्योंकि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो आप टर्मरिक जो है ब्लैक पेपर के साथ स्पेसिफिकली लें, क्योंकि टर्मरिक जो है इतना ईजिली हमारी बॉडी में कंज्यूम नहीं होता, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, तो आप उसे या तो किसी फैट के साथ लें, तो या तो आप उसे कर्ड में ले सकते हैं, मिल्क में ऐड कर सकते हैं, या आप उसे ब्लैक पेपर के साथ लें, सो बहुत अच्छा बॉडी में यूज़ हो पाएगा। सो अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है कि आपको कितना क्वांटिटी में क्या लेना है, तो आप मुझे मैसेज डालें
या आप मुझे DM करें, आई श्योरली रिप्लाई। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी और आप अपने शुगर लेवल जो है बेटर कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक देम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।